श्री सीताराम दोस्तों, तो आज जो मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, ये मैंने YouTube में देखा था और वो मैंने देखा था भारती सिंह जी के व्लॉग में। तो वही रेसिपी मैंने बनाने की कोशिश करी है। मुझे पता नहीं है कि उसका एक्चुअल टेस्ट कैसा था, पर जो मैंने बनाया है ना, वो सच में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। और साथ ही आप, तो मैंने बारीक कटा हुआ पालक लिया है और टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ ही यहाँ पे इसमें जाएगा मिक्स दाल। जितने भी आपके पास दाल है ना, वो आप सब थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो मैंने यहाँ पे काला दाल लिया है और अरहर मलका का मिक्स मैंने दाल लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। अगर आपके पास मूंग की दाल है और भी कुछ दाल है, तो आप सबको मिक्स करके बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीनट लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया लिया है गार्निश के लिए। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए लिया है सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है। और इसको हम क्या करेंगे ना कि तेल में बनाएंगे, जो कि है सरसों का तेल। जी हाँ, इसे आप सरसों का तेल में ही बनाएं, या फिर आप घी में भी बना सकते हो। रिफाइंड ऑयल यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें टेस्ट का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तो जैसे ही तेल गर्म होता है, तो जितने भी सूखे मसाले हैं ना, वो आप तड़के में डाल दीजिए और इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर ब्राउन हो चुका था, तो मैंने साथ ही यहाँ पे पीनट भी डाल दिया था। पीनट हम इसी समय डालेंगे, ताकि पीनट थोड़ा मतलब अच्छे से रोस्ट हो जाए और उसका जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से आए। अगर किसी को पीनट से एलर्जी है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे दाल डालेंगे, जितनी भी हमारे पास दालें हैं वो सब हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और जब हम भूनेंगे ना, इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे भूनने का, तो हमें अपना गैस का फ्लेम जो है वो कम कर लेना है, और मतलब बिल्कुल लो में आपको बनाना है, कुक करना है, इसे रोस्ट करना है, तभी इसमें फ्लेवर आएगा, नहीं तो जल जाएगा सारा और आपका कड़वा हो जाएगा दाल। और साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक भी अभी डाल देंगे, और जैसे ही लहसुन अदरक का आप डालेंगे ना, तो इसमें से थोड़ी देर के बाद ना खुशबू आने लगेगी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रखेंगे, ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए, पक जाए हमारा दाल। और आप देख सकते हो कि ये हमारा अच्छे से भून चुका था, और जैसे ये भूनना स्टार्ट होगा ना, इतनी अच्छी रोस्टिंग की खुशबू आएगी ना, मतलब बहुत अच्छा खुशबू। और आप देख सकते हो कि ये मेरा बिल्कुल कम्प्लीट था। तो इसे मैंने थोड़ा देर, जब तक ये रूम टेम्परेचर में ना आ जाए, तब तक आप इसे पीसना नहीं, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने यहाँ मिस्की का एक जार लिया है, तो उसमें मैंने यहाँ पे इसको पीसना स्टार्ट किया है। और आप इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हम इसका थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, ताकि जो हम इसका दाल बनाएंगे ना, तो वो थोड़ा दरदरापन आए, तो मतलब टेक्सचर मिले हमारे रेसिपी को। तो ये मेरा जो पाउडर था बन के रेडी हो चुका था, और इस जैसे ही मैंने मिक्सी का जार का ढक्कन हटाया ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब फ्लेवर इसमें कूट कूट के भरा है सच में। मतलब ये टेस्ट के साथ साथ ना हेल्दी भी है, मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये कंफर्ट फूड है, अपने में ही एक फूड है। अगर आप खाना ना खाएं, चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, तो अगर आप एक कटोरी दाल भी पी लेंगे ना, तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो अब बारी आती है इसे तड़का मारने के लिए। तड़का मारने के लिए मैंने वही तेल, कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा सा लिया है, और उसमें 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग लिया है, और हींग को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, ताकि हींग का फ्लेवर अच्छे से उभर के आए। और जब आपका हींग थोड़ा भुन जाएगा, तब आप इसमें प्याज डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, और प्याज को आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। आप कच्चा प्याज इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि बिल्कुल इसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाना चाहिए, तब इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो उसके बाद जब आपका प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, और साथ ही मैंने इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है। आप चाहो तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो। और इसको हम अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम कुछ मसाले जाएंगे, और मसाले बिल्कुल हम सटल सा रखेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है अपने स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी लिया है, और 1 टेबल स्पून के बराबर कश्मीरी मिर्च लिया है, जो कि कलर अच्छा देता है और उसमें मिर्ची नहीं होती। उसी के साथ मैंने इसमें धनिया जीरा का पाउडर डाला है, और साथ ही हमारा होममेड जो
गरम मसाला पाउडर है वो मैंने थोड़ा सा डाला है। और सच में इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप कुकिंग करते हो ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, तो उसमें ज़्यादा हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो वैसे ही अच्छा लगता है जैसा वो खुद का टेस्ट होता है उसमें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया था, तो इसे ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा मसाला बिल्कुल रेडी था, अच्छे से भून चुका था, इसने जो भी तेल है वो छोड़ दिया था और इसमें से बहुत अच्छी मसाली की खुशबू आ रही थी। और मसाला जब पक जाता है तो उसकी एक ही निशानी होती है कि वो अपना तेल छोड़ देता है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे पालक यूज़ किया है। वैसे मेरे को पालक पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अगर पहाड़ी पालक है तो वो मुझे पसंद है क्योंकि पहाड़ी पालक में ना बहुत अच्छा एक स्वाद आता है। लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो मैंने ये जो नॉर्मल वाला पालक है वही मिलाया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप करके आप इसमें बथुए का जो साग आता है ना वो भी आप इसमें मिला सकते हो। और इसको मैं एक बार जो पहाड़ी पालक है ना उसके साथ ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा जो साग था वो भी पक चुका था अच्छे से बिल्कुल, और सच में अच्छी खुशबू आ रही थी। और जो पालक का जो हल्का सा स्वाद तो आता ही है, मतलब नॉर्मल पालक का, तो वही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं ज़रूर इसे पहाड़ी पालक के साथ भी ट्राई करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दाल का मिक्सचर मैंने ग्राइंडर में पीसा था तो वो डाल दिया था। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे अच्छे से, जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। और उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। और ध्यान रहे जब आप इसमें पानी मिलाओ तो पानी आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी आप नहीं मिलाएंगे। और गर्म पानी मिलाने से ऐसा होता है ना कि मतलब उससे अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने ठंडा पानी मिला दिया तो आपका जो खाना है ना तो वो थोड़ा मतलब कि टेस्टलेस और हल्का सा उसमें फ़र्क आता ही है। तो आप जब भी कुछ भी किसी भी चीज़ में आप मिलाएंगे करी के लिए तो आप गर्म पानी ही मिलाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को जितना पानी चाहिए था, जितना मुझे गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया। तो आप भी उसी हिसाब से पानी डालिए। तो इसको अच्छे से घोटते रहिए क्योंकि इसमें ना थोड़े लम्स बन जाते, जैसे आप पानी डालोगे ना तो ये ना लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से डाड़ू की मदद से अच्छे से घोट लेना और जितना गाढ़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसका टेक्स्चर रख सकते हो। तो मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था, वैसे मैंने इसे चावल के साथ खाया था। अगर आप इसे रोटी के साथ खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसे रोटी के साथ भी खाया था। तो एक साइड में ये हमारा उबल रहा था अच्छे से, तो दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे इसका तड़का भी रेडी कर लिया था। और तड़के में सिर्फ 3 चीज़ें रहेंगी जो कि है जीरा और साथ ही यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन, और यहाँ पे मैंने 2 हरी लाल मिर्च डाली थी। और सच में लहसुन का इसमें जो फ्लेवर आ रहा था ना, आप जब भी आप इसे छानेंगे इसे तड़का देंगे तो आप लहसुन के साथ ही देना। अगर आपने प्याज भी डाला तो प्याज तो स्टार्टिंग में पड़ भी चुका है, और सच में इसे लहसुन के तड़के के साथ ही जो इसका फ्लेवर आया था ना बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। तो यहाँ पर मैंने इसको तड़का दे दिया था और इसकी खुशबू जो आ रही थी ना सच में मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब ये पक गया, मैं इसको टेस्ट करूँ जो कि दिखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा था। तो साथ ही मैंने यहाँ पर ऊपर से हरे धनिए के साथ गार्निश करी और इसको सर्व किया गर्मा गर्म चावल के साथ। ये जो रेसिपी है ना, ये जो गढ़वालियों का एक रेसिपी बोलते हैं उसका दाल को पीस के, उसी से ही सिमिलर है वो, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता है। बट ये है कि इसमें हम 2-3 दालें मिक्स करते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर एक ही दाल के साथ बनाते हैं, या फिर काली दाल के साथ या फिर भट्टा की दाल, जो भट्टा का दाल होता है और मुझे नहीं पता आप उसे क्या बोलते हो, लेकिन हम लोग नेपालियों में भट्टा का दाल बोलते हैं, तो वो उसके साथ बनाते हैं और सच में बहुत यमी लगता है। तो मुझे ये कुछ कुछ वैसा सा ही लगा। तो यहाँ पर मैंने जो प्लेटिंग कर दी थी तो ऊपर से मैंने यहाँ पे गुरखाली चटनी भी बनाया था जो कि आलू और इसमें प्याज और मैंने यहाँ पे मटर भी डाला था जो कि वाइट मटर आता है वो डाला था। और इसकी अगर चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप ज़रूर से चेकआउट करिए। और ये मेरा प्लेट बन के रेडी था जो कि इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना, मतलब ये एक तरह से ना बिल्कुल कंफर्ट फूड है। अगर आप ये खा लोगे ना आपको किसी चीज़ की क्रेविंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बोल रही हूँ आपको कि ज़रूर बना के खाइए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।